हिमाचल प्रदेश में शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने आज रेणुका विधानसभा क्षेत्र बोरली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी बोरली सीयू सड़क का लोकार्पण किया। इस सड़क निर्माण पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई है। सड़क का उद्घाटन करने के बाद सांसद सुरेश कश्यप ने संगडाह में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सांसद सुरेश कश्यप ने देश और प्रदेशवासियों को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की बधाई दी और कहा कि आज इस खास दिन के अवसर पर 79 परिवारों को आश्रय योजना के तहत स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए हैं और 17 परिवारों को पहली किश्त जारी की गई है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 125वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर आज जो हमारा रेणुका विधानसभा क्षेत्र के संग्रह में भी इसका भव्य आयोजन किया गया है, मैं ऐसे अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब के चरणों में सादर नमन करता हूं और पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज इस कार्यक्रम के तहत जहां हमने 79 परिवारों को आश्रय योजना के तहत स्वीकृति प्रदान की, वहीं 17 परिवारों को जो है प्रथम किस्त भी यहां पर दी गई है। इसी प्रकार हमारा बेटी अनमोल योजना के तहत भी एक दर्जन के करीब बहनों को जो स्वास्थ्य किट है उसको दिया गया। और आज यहां पर जहां डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद किया गया, उनकी चित्र को फूलमाला के साथ सुशोभित किया गया, सहभोज का भी आयोजन किया गया है। इस अवसर पर फिर से मैं सभी को बधाई देते हुए, आज क्योंकि बैसाखी का त्यौहार भी है, मैं बैसाखी त्यौहार की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज भगवान महावीर जी की जयंती है, इस अवसर पर भी मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हम सबके लिए खुशी का दिन है। बहुत सारे पर्व आज पूरे देश भर में, चाहे उसको विशु कहें, पोंगल कहें या कई नामों से, आज का दिवस बैसाखी के नाम से अनेक स्थानों पर मनाया जा रहा है। आज के दिवस की मैं सभी को बधाई देते हुए, और जिस प्रकार से हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश और देश का विकास किया, रेणुका विधानसभा क्षेत्र में भी चौमुखी विकास इस दौरान हुआ है। आज विभिन्न उद्घाटन और शिलान्यास इस अवसर पर हम करने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि विकास की मुख्य धारा में रेणुका भी आज कहीं पीछे नहीं है, पूरे प्रदेश के साथ रेणुका भी आगे।